देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। आपकी सुकून भरी नींद के लिए ले कंफर्ट लाए हैं लॉन्ग लास्टिंग फुली कस्टमाइज्ड और हाईली कंफर्टेबल मैट्रेसेस अनबीटेबल प्राइसेस पर, क्योंकि अच्छी नींद सपनों को हकीकत में बदलती है। संपर्क करें 9584931899। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ रही है। अगर बीते एक सप्ताह की बात करें तो ब्लॉक में प्रतिदिन औसत 5 कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह त्योहारों के दौरान बाजारों में जमकर भीड़भाड़ रही और लोग संक्रमण से बचाव के उपायों की अनदेखी करते दिखाई दिए। तभी से इस बात की आशंका बार बार जताई जा रही थी कि क्षेत्र में कोविड 19 के हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। इस संबंध में मंगलवार को ओबेदुल्लागंज में ब्लॉक स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के नियंत्रण के लिए गठित समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने, बाजारों को निर्धारित समय पर बंद कराने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं करने सहित मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। बैठक में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती करने की बात की गई है। ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के वर्तमान हालातों पर जब हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद चौहान से बात की तो उन्होंने कहा, सर सब डिवीजन में कोरोना की वर्तमान क्या स्थिति है और विभाग द्वारा आगे इसको लेके किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? चूँकि अभी देखने में आ रहा है कि निरंतर केस बढ़ते जा रहे हैं, बीच में जो स्टार्टिंग में जरूर में बहुत सारे केस आए थे, उसके बाद धीमे धीमे फॉल डाउन शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जब सर्दी शुरू हुई है और लोगों ने लापरवाही बरतना स्टार्ट कर दिया था, उसके फलस्वरूप ये हो रहा है कि मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने अनुविभाग स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की जो बैठक होती है वो भी हमने आज संपन्न हुई है यहाँ पे जनपद कार्यालय में SDM महोदय की अध्यक्षता में, तो उसमें यही सब लोगों के सुझाव थे कि जो सख्ती बरती जा रही थी पहले उसको पुनः फिर से दोबारा उसको किया जाए, और जो अपने खुद भी बीमार हो रहे हैं और लोगों को भी बीमारी का संक्रमण को फैला रहे हैं उन पर सख्ती से निपटा जाएगा। सर औद्योगिक केंद्र चूँकि पूर्व में भी एक बड़ा केंद्र के रूप में डेवलप हुआ था कि यह कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में थे, खासतौर पर मंडीदीप क्षेत्र के लिए जहाँ पॉल्यूशन और ठंड दोनों का प्रकोप जो है कोरोना के लिए घातक हो सकता है, तो वहाँ किस तरह के एहतियातन कदम उठाने जा रहा है विभाग? इसमें तो ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि अपना सुरक्षा तो बचाव से ही पॉसिबल हो पाएगी, और आज हमने जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब हैं माननीय अग्रवाल जी, उनको भी हमने मीटिंग में बुलाया था, उनको भी बताया है और आपस में डिस्कस हुआ है कि वो भी अपने एसोसिएशन में सब लोगों से खबर पहुँचाएंगे, सब में मैसेज देंगे कि जैसे पहले अपन लोग ध्यान रख रहे थे खुद का और दूसरों का, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना और मास्क का बराबर इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये फिर से उसी उतनी ही ताकत से, दोगुनी ताकत से उसको फिर से लागू कराएंगे। सर मीटिंग में बाजार बंद के समय को लेकर या किसी प्रकार की चालानी कार्रवाई को लेकर कोई सुझाव या निर्णय हुआ है क्या? जी SDM साहब ने अपने SDP महोदय को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो सख्ती से बाजार को जो निर्धारित समय है रात को 10 बजे तक बंद करने का, तो उसको सख्ती से उसको बंद कराएं, और जो भी भीड़ भाड़ वाला एरिया है या बाजार में बिना मतलब के जो भीड़ लगाई जा रही है, बाहर लोग वाहन खड़ा करके वहाँ भीड़ लगा लेते हैं, तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा और चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर देखने में सबसे ज़्यादा जो लोगों द्वारा जो जिस चीज़ का उल्लंघन किया जा रहा है वो मास्क के प्रति गंभीर नहीं है, और मेरे ख्याल से कोरोना का सबसे बड़ा बचाव आज के तौर पर यदि कोई है तो वो मास्क है, इसको लेके किस तरह की रणनीति है? जी वो आज मीटिंग में ये बात भी सामने आई है, और क्योंकि समाज से भी 3-4 समाज से भी थे हमारे बाबू अग्रवाल जी, कोठारी जी और बिल्ले जी, उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया कि बाजारों में देखने में आ रहा है धार्मिक स्थलों पर बाजार में ये दुकानों पे कि मास्क को दिन ब दिन लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, मास्क को अवॉइड करते जा रहे हैं, तो उसी को बढ़ाने के लिए चालानी कार्रवाई की जाएगी, और हमने अग्रवाल जी से निवेदन किया है कि अपनी इंडस्ट्री से बात करके वो कुछ ऐसे मास्क जो कि रीयूजेबल हों, वॉशेबल हों, ऐसे मास्क वो हमको उपलब्ध कराएंगे ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में अलग अलग माध्यम से उनको आम जन तक पहुँचा सकें। उन्होंने करीब करीब बोला है कि 5,000 से 10,000 के बीच में मास्क उनको उपलब्ध कराएंगे।
सर अभी औसतन प्रतिदिन लगभग कितने मामले सब डिवीजन में आ रहे हैं? जी डेली देखा जाए औसतन तो 2 से 5 मरीज तो डेली आ रहे हैं।